जी अब हम लोकार्थम के चौथे सवाल की तैयारी में सवाल नंबर 9 को स्टडी करने जा रहे हैं। ठीक है जी, हमारे पास एक सवाल है 17.92 की पावर 1/9। बड़ा आसान सवाल है, इसको हम जल्दी जल्दी कर लेते हैं। एक्स इज इक्वल टू, हमने सपोज किया कि ये सारी रकम एक्स के बराबर है 1/9। दोनों जानिब लॉग लगा रहे हैं, द लॉग एक्स इज इक्वल टू लॉग 17.92 की पावर 1/9। ठीक है, हम जानते हैं जो पावर है वो मल्टीपल की फॉर्म में आ जाती है 1/9। अच्छा, यहाँ 17 को 0.92 का लॉग निकालना है, इसका कैरेक्टरिस्टिक मतलब पहले 17 को 9 में देखना है लॉग में, तो हमने लॉग में गए 17। सेवनटीन को जब हम 9 में देखेंगे तो ये निकलेगा 2529। ये हमारा 17 है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 के बाद ये आ गया आपको 9 2529। सबसे पहले हम 2529 लिख लेते हैं, 2529। इसमें हमें ऐड करना है मीन डिफरेंस। पहले हम ये देखते हैं इसका मीन डिफरेंस क्या है। तो मीन डिफरेंस देखने के लिए हमने देखा था 17 को 9 में 2529। इसका मीन डिफरेंस जो है वो क्या है, मीन डिफरेंस देखना क्या है, मीन डिफरेंस देखना है 2। मीन डिफरेंस देखना है तो कहाँ चला गया भाई, 17 को 9 में देखा 2529 ये रहा, और उसका मीन डिफरेंस 2 जो है वो 5 है। तो हमें 5 इसमें क्या करना है, ऐड कर प्लस का 5, वहाँ का जवाब आ गया 2534। ये हमारे पास आ गया 2534। अगले स्टेप में हमें इसको 9 से डिवाइड करना है। ठीक है, तो ये जो रकम आ गई इसको हम डिवाइड कर रहे हैं 9 से, जवाब आ गया 28.281.5। 28 ये क्या जवाब आया, तो गलत आ गया। चलें इसको दोबारा तकसीम करते हैं, 1.2534 इसको डिवाइड करते हैं किससे, 9 से, जवाब हो गया 0.1392। तो ये सही जवाब है। अब हमें इसका एंटी लॉग निकालना है। एंटी लॉग निकालने के लिए हम ये कैरेक्टरिस्टिक को छोड़ देते हैं, पॉइंट की पोजीशन मालूम करने में यह हमें मदद देता है। तो टेकिंग एंटी लॉग, एंटी लॉग के लिए हम यहाँ जो एक्स था, जब लॉग एंटी लॉग लगाया तो ये रह गया एक्स इज इक्वल टू 0.13 को 9 में देखना है मीन डिफरेंस 2। 0.13 को 0.13 को इसमें देखना है 0.13 को 9.13 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9 1 3 7 7 1 3 1 3 7 7 इसका मीन डिफरेंस 2 है, इसका मीन डिफरेंस 2 1 3
सेवन सेवन का मीन डिफरेंस जब टू देखेंगे तो वो है वन, तो इसमें वन को हमें ऐड करना पड़ेगा प्लस वन, तो ये हो गया एक्स इज इक्वल टू 1378। अच्छा सर, यहाँ ज़ीरो है, इसमें एक वन ऐड करेंगे तो हो जाएगा वन, एक के बाद आश्चर्य लगे जाएंगे, हमारा जो जवाब होगा वो होगा 1.378। ठीक है, अब हम इसे कैलकुलेटर से चेक करते हैं कि आया ये जवाब सही है या गलत है। कैलकुलेटर के लिए हम इसका साइंटिफिक कैलकुलेटर ले लेते हैं। अच्छा जी, सवाल हमारे पास क्या है, पहले सवाल देखते हैं। सवाल हमारे पास है 17.92 की पावर 1/9, तो 17.92 की पावर, ये की पावर का बटन है और वो भी इंडेक्स की सूरत में, ठीक है, तो 9 लिख दो डायरेक्ट, क्योंकि 1/9 जो है ये इंडेक्स ऑलरेडी ये बता रहे हैं 9, ठीक है, इज इक्वल टू 1.3780। देखते हैं अपना जवाब क्या है, 1.378, तो 1.3780 या 1.378, ये दोनों जो है वो एक ही बात है। इस तरह आपने देखा कि हमारा जवाब टेबल के लिहाज से भी और कैलकुलेटर के लिहाज से भी सेम है।